ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी आर स्टडिंग एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखो क्वेश्चन 4 का कांसेप्ट क्या है, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 4 से, उसी के जैसा आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से। ध्यान दो, आपको कुछ गिवन है x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 34/15। हमको एक इक्वेशन गिवन है, हमको क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। देखो हम कैसे करेंगे, क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट विल द एलसीएम, x और x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा? हाँ जी, रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, x और x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा? हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द एलसीएम? यस यू आर राइट, एलसीएम भी दोनों की मल्टीप्लाई, हमारा जो एलसीएम हो जाएगा x साथ में x प्लस 1। अब ध्यान दो, इसको देखो किसी कमी है x की, तो x और x क्या हो गया x स्क्वायर, क्लियर है। इसको देखो किसी कमी है x प्लस 1, ऊपर से पहले ही है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/15। क्या सभी को एलसीएम क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को एलसीएम क्लियर है? एलसीएम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर सभी को यहां तक? अब क्या करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है, x स्क्वायर प्लस यहां लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में आ जाओ x into x, x स्क्वायर x बन जा x इक्वल्स टू 34/15, क्लियर है। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस, ध्यान दो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 और साथ में x, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 34/15। नेक्स्ट स्टेप, x को कितने बार है, दो बार, तो 2x स्क्वायर प्लस साथ में क्या है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x 34/15। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? हमने की बस सिंपलीफिकेशन, कुछ नहीं किया, जो हमको इक्वेशन गिवन थी उसको हम सिंपलीफाई कर रहे हैं ताकि हमारी क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। सभी बताएं चैट बॉक्स में, यहां तक क्लियर? हमने स्क्वायर ओपन किया, लाइक टर्म्स को क्या किया, ऐड किया, यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान दो, इस 15 की मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 15 से, इन द सेम वे 34 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे x स्क्वायर प्लस x से, 34 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x, क्लियर है? नाउ 15 2 30 x स्क्वायर 15 2 30 साथ में x 15 1 15 इक्वल्स टू 34 x स्क्वायर प्लस 34 x, क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट है, सारे ले इस तरफ 30 x स्क्वायर, ये था प्लस, किसका हो जाएगा माइनस, इन द सेम वे ये इसका है प्लस, इसे आगे माइनस, प्लस में 15 इक्वल्स टू 0, क्लियर? नाउ सॉल्व इट, 34 में से 30 गया 4, बड़ा कौन है माइनस का, 34 में से 30 गया 4, बड़ा कौन है माइनस का, प्लस का 15 इक्वल्स टू 0, क्लियर है? नेक्स्ट है, सभी के कर दो साइन चेंज, क्लियर है? या ये समझ लो हमने क्या किया, दोनों साइड माइनस वन से कर दिया डिवाइड, उससे क्या होगा, ये माइनस क्या करेगा, इन सभी के साइन चेंज, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जो इक्वेशन हम चाहने जो हमें चाहिए थी ये वो इक्वेशन है। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, और इसके आगे वाला काम हम कल कर चुके हैं। इसके आगे वाला काम हमने कल किया था, फैक्टराइजेशन। आई होप आपको आती है, सोचो। फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान है, आपको आती है। सोचो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है माइनस का 15, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस इनटू माइनस, माइनस 15 फोर जा 60। अब इसको तोड़ना है दो नंबर में, बताओ तोड़ के क्या आना चाहिए? प्लस का 4 आना चाहिए। सोचो हम 60 को कैसे तोड़ेंगे कि 4 बन जाए? सोचो सभी, वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, सोचो। यस अच्छी, यू आर राइट। हम सोचेंगे 10 में और 6 में, वेरी गुड। हम सोचेंगे 10 और 6, लेकिन अभी ध्यान दे, हमें क्या चाहिए? 4 प्लस का, तो बड़े वाला प्लस छोटे वाला माइनस, क्लियर है? नेक्स्ट है, मैंने आपको कल बताया था, पहले लिखेंगे माइनस का और फिर लिखेंगे प्लस का। आप सब बच्चे बताए फटाफट, इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है? 4x स्क्वायर माइनस 6x में से क्या कॉमन आने वाला है? व्हाट विल बी द कॉमन? 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, वेरी गुड। कॉमन आएगा 2x, ब्रैकेट में क्या बचेगा? सही है, कॉमन तो आएगा 2x, फटाफट बताएं ब्रैकेट में क्या बचेगा? क्लियर सभी को? ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3। कैसे बचेगा? ध्यान दो, मैंने 4 को लिख दिया 2 टू जा 4, 6 को लिख दिया बेटा 2 3 जा 6, कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, कॉमन आ गया। x दो बार, x एक बार, कॉमन आ गया x, क्लियर है? एक तो 2 बचा और एक x बचा, तो क्या लिख दिया? 2x। x बार आ चुका है, क्या बचा सिर्फ 3, तो 3 लिख दिया, क्लियर है? नेक्स्ट है 5 टू जा 10 और 5 3 जा 15, 5 टू जा और 5 3 जा, तो कॉमन क्या आएगा? 5, लिख दिया। क्या बचा? 2 के साथ x, 2x माइनस क्या बचा? 3 इक्वल्स टू 0, क्लियर है? नेक्स्ट है कॉमन क्या आने वाला है? 2x माइनस 3, क्या बचेगा? 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, क्लियर है? नेक्स्ट है इसको 0 करेंगे, 2x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, वहां जाके प्लस x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में 3/2। इन द सेम वे इसको 0 करेंगे, 5 इसका है प्लस उसे जाके माइनस 2 का है मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में। बताओ सभी, किसी बच्चे को पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत? पूरे क्वेश्चन में बेटा ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं, 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बोर्ड में, 4 नंबर का, ठीक है? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। सभी बताएं चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन वाई फॉर यस एंड फॉर नो इन द चैट बॉक्स। सभी बच्चे रिप्लाई करें बेटा फटाफट, रिप्लाई करें सभी, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वी विल स्टार्ट। फोकस स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग सेकंड पार्ट ऑन द बोर्ड। बिल्कुल इजी है, आपको बस एलसीएम लेना है टिल द एंड ऑफ द बोर्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन को करो सिंप्लीफाई, ट्राई करो सिंप्लीफाई करने का, आपको आराम से एलसीएम लेना है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, आज की हमारी क्लास इसी के ऊपर है। फोर्थ एग्जांपल करना है आपको अपनी बुक का, और फोर्थ क्वेश्चन करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल, तो बेटा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपके 10 मिनट खा जाएगा, लेकिन आपको पेपर में 3 नंबर या 5 नंबर जाएगा, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया था। 4 नंबर क्वेश्चन पहले आते थे, अब सिर्फ 3 और 5 के आते हैं,
तेरे को शायद फंसेगा 3 नंबर में या फंसेगा 5 नंबर में। हाँ जी, एलसीएम लिया, एलसीएम एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। क्लियर सभी को, एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से x प्लस 3 और x माइनस 3। अब ध्यान दो, यहाँ किसकी कमी है, माइनस वाले की, माइनस वाला पहले बैठा है तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज दो बार होगी। यहाँ कौन सा है, माइनस वाला है, कौन सा नहीं है, प्लस वाला। ऊपर कौन सा है, प्लस वाला, तो क्या हो जाएगी प्लस वाले का स्क्वायर। क्लियर, 7 6 42 42 + 6 48 48 / 7। क्या सभी को एलसीएम क्लियर है, क्या सभी बच्चों को एलसीएम क्लियर है, एलसीएम? क्योंकि तो बेटा अगर एलसीएम गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत, आगे कुछ करने का फायदा ही नहीं है। क्या सभी बच्चों को एलसीएम क्लियर है? बेटा क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं तो 25 बच्चे यस लिखे हैं फटाफट, वाई फॉर यस और एंटर मार दो। टीचर को भी मजा आता है पढ़ाने में कि बच्चों के रिप्लाई जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, वाई लिखो और एंटर मार दो, बस काम खत्म। वेरी गुड, देखो जब ध्यान से, देखो बेटा यहाँ लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है आप सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, गॉट इट सभी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, नेक्स्ट है, इसको ओपन करेंगे सेम, इसमें ये है प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर सभी को, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है चेक करो, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या सभी को यहां तक क्लियर है, क्या सभी को ये सब क्लियर है? इसके अंदर हमने 3 आइडेंटिटी यूज की है, एक माइनस की, एक प्लस की और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, यहां तक क्लियर, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x, x स्क्वायर एज इट इज 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x। डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, x स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 48/7, गॉट इट? नाउ ध्यान दो सभी, मैं तो सरअप कर रहा हूं ताकि मुझे हाफ पार्ट चाहिएगा बोर्ड का, ठीक है, मुझे हाफ सेक्शन चाहिए। फोकस नाउ, नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ध्यान दो सभी, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ध्यान देंगे सभी, माइनस का तो x स्क्वायर हो गया, माइनस का 9, माइनस का 6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 48/7, गॉट इट? नेक्स्ट है, स्क्वायर से स्क्वायर कट, 9 से 9 कट, माइनस 6 माइनस 6, आई गोट माइनस का 12x। क्लियर है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 48/7। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिक मैथ लगाया है सिर्फ, हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। देखो कुछ कर रहे हैं, 12 बन जा 12 और 12 4 जा 48, क्या बचा, ध्यान दो, यहां तो बचेगा माइनस का x, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ गया 4/7, गॉट इट? नेक्स्ट है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, ध्यान दो सभी, 4 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 9 से और 7 की मल्टीप्लाई माइनस x से। नेक्स्ट है, 4x स्क्वायर 9 4 = 36 माइनस का 7x, इसको ले आओ इस साइड, 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36
इक्वल्स टू जीरो। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो। हां जी, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक। इसके बाद फिर हमें करनी है फैक्टराइजेशन। अब थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े आ गए। ध्यान दो, यहां पे लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 7 और यहां लिखा हुआ माइनस का 36। प्लस इनटू माइनस क्या होता है? माइनस। 36 4 जा कितना होता है? 144। अब हमें क्या करना है? इसको तोड़ना है दो नंबर्स में। क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। सोचो हम 144 को कैसे तोड़ सकते हैं कि हमें चाहिए 7। हाँ जी सोचो, 144 को हम कैसे तोड़ें कि हमें चाहिए 7। लगाओ दिमाग थोड़ा सा। देखो अगर आपके दिमाग में फैक्टर्स ना आए ना तो सबसे आसान तरीका होता है पीएफ कर लो। पीएफ आती है सभी को? 2 से पीएफ की 72, 2 से फिर पीएफ की, बताओ क्या क्या है पीएफ, बताओ सभी। 2 से क्या 72, उसके बाद क्या आएगा पीएफ के अंदर? पीएफ बोलो, पीएफ 2 से 72, फिर 2 से क्या आएगा 36, वेरी गुड, 2 से आ जाएगा 36 और फिर 2 से आ जाएगा 18, 2 से आ जाएगा 9, 9 से आ जाएगा 3 और 3 से आ जाएगा 1। अब ध्यान दो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 1 टू उठाओ 16 और 3 थ्री जा 9, 1 उठाओ 9, देखो पेयर बन गया 16 का और 9 का और इन दोनों से क्या बन सकता है 7। क्लियर है? लेकिन ये किसका था? माइनस का। इट मींस एक क्या होगा? माइनस और एक क्या होगा? प्लस। ध्यान दो, हमें 7 चाहिए किसका? प्लस। इट मींस बड़े वाला प्लस और छोटे वाला माइनस। क्लियर है ये चीज? तोड़ना कैसे है? बड़े वाला प्लस, छोटे वाला माइनस और तोड़ेंगे कैसे? 16 में और 9 में। 16 9 144, 16 और 9 से बन जाएगा 7। बेटा फैक्टराइजेशन आएगी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। 4x स्क्वायर, बड़े ध्यान दो नेक्स्ट। अब क्या लगेंगे? पहले माइनस का और फिर प्लस का। माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या ऑप्शन कर लोगे बताओ सर चैट बॉक्स में, क्या ऑप्शन कर लोगे इसके बाद? कॉमा निकाल के 0 पुट करना है। हाँ जी कैने डू। इसके बाद का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, इसके बाद का क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। फैक्टराइजेशन कर दी है, सिर्फ कॉमन निकालना है, खुद करोगे। फोकस नाउ, आई एम राइटिंग थर्ड स्टेप, थर्ड क्वेश्चन। सभी आंसर देंगे बराबर। क्वेश्चन है 2x अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन 2x प्लस 3, नेक्स्ट प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सभी इसका एलसीएम लेने की ट्राई करो, दिखने में बड़ा है लेकिन छोटा क्वेश्चन है, आराम से एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करो, क्या आ रहा ट्राई करो। बेटा इसका ध्यान से करना, बिल्कुल आसान है, इजी है, बिल्कुल ट्राई करो। एलसीएम आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये देखो कहां पे किसकी कमी है, उस कमी को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, काम करो। पहला स्टेप ध्यान से करना, वेरी गुड। देखो सभी बोर्ड पे, आई होप सभी ने ठीक किया होगा। देखो फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 3 की मल्टीप्लाई
2x plus 3 से, क्लियर है, यहां किसकी कमी है 2x plus 3, तो उससे कर दो मल्टीप्लाई 2x plus 3, क्लियर है, यहां किसकी कमी है x minus 3 की, मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सेम आ जाएगा x minus 3, क्लियर है। नेक्स्ट है, इसको देखो इसको देखो, किसी की कमी नहीं है तो जो ऊपर है वो एज इट इज। क्या सभी बच्चों को फर्स्ट स्टेप क्लियर है? फर्स्ट स्टेप एलसीएम, जहां जिसकी कमी है वो पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, बस पहला स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है, डिनोमिनेटर को बेटा वहां कर दो ले जाके जीरो, ये तो क्या जीरो, देखो ऊपर क्या बचेगा 2x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से, नेक्स्ट x माइनस 3, आफ्टर दैट 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब चेक कर लेते हैं 2x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 x माइनस 3 3x प्लस 9, क्लियर। नाउ सॉल्व करना है, 2 2 जा 4, x और x, x का स्क्वायर प्लस इनटू प्लस प्लस 3 2 जा 6 साथ में x, बाद वाले लिख दो एज इट इज क्योंकि प्लस है कुछ नहीं करना। नाउ सॉल्व इट, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, स्क्वायर अकेला था, पहले हमने x वाले इकट्ठे कर लिए बाद में कॉन्स्टेंट्स। अब सॉल्व करते हैं 4x स्क्वायर 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10x, क्लियर। 9 में से 3 गया 6, बड़ा कौन है प्लस का, इक्वल्स टू 0, क्लियर सभी को यहां तक? क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? देखो बिल्कुल आसान है, आप सभी को दिख रहा है, सिर्फ ध्यान का देना है सॉल्विंग पे, इक्वेशन सॉल्विंग ठीक होनी चाहिए, इक्वेशन सॉल्विंग ठीक है। नाउ मुझे ये बताओ, जो हमें इक्वेशन मिली है ये इक्वेशन किससे कट रही है, कौन सा नंबर सभी में कॉमन आ रहा है ताकि हम हमारी इक्वेशन को छोटा कर दें? मैं पूरी इक्वेशन को किस नंबर से काट सकता हूं? वेरी गुड वेरी गुड, करो रिप्लाई करो, वेरी गुड। अगर मैं 2 से काट दूंगा तो क्या बचेगा, ध्यान दो, मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड किसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2 टू 4 2 5 10 3 टू 6, क्लियर है। नाउ यहां 2 है, यहां 5 है और यहां 3 है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6, तो हमने इसको तोड़ दिया 2 में और 3 में, क्यों 2 और 3 5, क्लियर है। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ जी, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, तो जो हमने अभी तीन पार्ट डिस्कस किए हैं, क्या सभी को तीनों पार्ट क्लियर है? तीनों पार्ट, हाँ जी, वाई फोर यस लिखे इतना बहुत है, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ टीचर को पता लग जाए समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, जो दिखने में से बड़ा है लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, 1 बाय एक्स माइनस 1 उसके साथ एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट x माइनस 2 उसके साथ x माइनस 3, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं x माइनस 3 और उसके साथ x माइनस 4, हमें ये गिवन है एंड ये हमें गिवन है इक्वल्स टू 1/6, हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है। तो जब तक मैं बोर्ड पे एलसीएम लूं, मुझे अपना पहला स्टेप करके दिखा दो फटाफट। पहला स्टेप आपको आता है, आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम आपको बताएं ध्यान दो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, मतलब 4 की मल्टीप्लाई आएगी, सोचो
नीचे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा उसमें चार की मल्टीप्लाई आएगी, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर। एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे सभी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, न्यूमरेटर की करेंगे सिर्फ। ट्राई करो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या हो गया, बिल्कुल आसान है। देखो सभी, फर्स्ट है, आप सभी ने जब एलसीएम लिया होगा तो आपके डिनोमिनेटर बेटा आया होगा x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री और x माइनस फोर, और इक्वल टू आया होगा 1 बाय 6। ऑप्शन ध्यान दें ऊपर, 1 और 2 को छोड़ दो, क्या बच गया 3 और 4, क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट ध्यान दो, 2 और 3 छोड़ दो, क्या बच गया 1 और 4, क्लियर है। इन द सेम वे आगे आ जाओ, 3 और 4 छोड़ दो तो क्या बच गया 1 और 2, क्या सभी को एलसीएम क्लियर है, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम के बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सभी बच्चे बताएं, क्या सभी बच्चों को एलसीएम क्लियर है, एलसीएम। इसके बाद कुछ नहीं करना, ज्यादा घबराना नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करनी है। डिनोमिनेटर को आप क्या करो, कुछ देर के लिए ही छोड़ दो, हम डिनोमिनेटर पे बाद में आएंगे, पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। सभी मल्टीप्लाई करके बताएंगे क्या क्या आने वाला है, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। सभी बच्चे मल्टीप्लाई करें, x माइनस थ्री की मल्टीप्लाई x माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें फटाफट, और बताएं क्या आने वाला है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि एक साइन गलत तो सब गलत। सभी अपने मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मेरी कर रहा हूं, डोंट लुक ऑन द बोर्ड, बोर्ड की तरफ नहीं देखना है, और हम पहले कुछ डिनोमिनेटर सोल्व नहीं करेंगे, वी आर सोल्विंग ओनली द न्यूमरेटर। बताएं सभी, क्या सभी को मल्टीप्लाई क्लियर है, साइन के साथ साथ मल्टीप्लाई करनी है विद साइन, साइन के साथ साथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे बोर्ड पे देख लें एक बार, मल्टीप्लाई मैंने कर दी है, क्या मल्टीप्लाई आपको समझ में आ रही है, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, सारा खेल मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, फटाफट यस देखो चैट बॉक्स में ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके नाउ लुक ऑन द बोर्ड, सभी बताओ मुझे एक्स स्क्वायर कितने होंगे, काउंट करो, एक्स स्क्वायर कितने होंगे, एक्स स्क्वायर काउंट करो, हाँ जी एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार है, वेरी गुड, काउंट करो एक्स कितनी बार है, एक्स सारे माइनस के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट करो एक्स कितनी बार है, एक्स टोटल, एक्स टोटल, अरे बेटा x कितनी बार है, 6 बार नहीं, उसको बताओ कोफिशिएंट, बताओ -3, -4, -7, ऐसे काउंट करो x कितनी बार है, वेरी गुड निकी, यू आर राइट, x इज 15 टाइम, जो हमारा बेटा x स्क्वायर है वो तो आ गया 3 बार, -3, -4, -4, -1, -2, -1, सभी को ऐड करो, कितना हो गया हमारे पास टोटल, x कितने हैं काउंट करो, yes you are right, we are having 15 times x, it means -15x, very good, sabhi count karo number, number kitna hai, number hai to 12 hai, ek 4 hai aur ek 2 hai, count karo kitna ho gaya, haan ji beta thodi si galti kar rahe ho counting mein, dhyan se karo, 12 4 aur 2, yes you are right, you are getting 18, आप सभी का ऐड करने पे आ रहा है 18,
तो सभी बताएं क्या सभी को, फर्स्ट स्टेप एलसीएम, सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई, थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई को क्या सिंपलीफाई, तीनों स्टेप क्लियर है क्या सभी बच्चों को? तीनों स्टेप क्लियर है क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले स्टेप पे एलसीएम लिया, सेकंड स्टेप पे मल्टीप्लाई की, थर्ड स्टेप पे सिंपलीफिकेशन किया। अब ध्यान दो हमारा जो ये बल्कि आया इसमें से, तो ध्यान दो कुछ कॉमन आ रहा है, द कॉमन इज कमिंग 3, तो एक्स स्क्वायर, 3 5 इज 15 और 3 6 इज 18, क्लियर है? आई बस हमने हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। ध्यान दो यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है माइनस का 5, यहां पे क्या है 6, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए प्लस का 6 और जोड़ने पे आना चाहिए माइनस का 5। बताओ फैक्टर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 6 और ऐड करने पे माइनस 5, बोलो फैक्टर्स। हाँ जी ना 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 गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। एक बच्चे का रिप्लाई आ रहा है माइनस 6 और 1। देख बेटा ध्यान दे, माइनस 6 और 1 बेटा नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते सोच, माइनस 6 और 1 वो जब तू ऐड करेगा बेटा तो आपका आएगा माइनस 5, नो डाउट, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस 6, तो ये तो है गलत। अब ध्यान दो अगर मैं फैक्टर बना लूं 2 और 3 तो 3 2 6, 3 और 2 5, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का, इट मींस 2 भी माइनस का और 3 भी माइनस का, क्यों माइनस माइनस प्लस 3 2 6, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5। बताओ सभी फैक्टराइजेशन क्लियर, सभी बच्चों को फैक्टराइजेशन क्लियर है? फैक्टराइजेशन माइनस 2 और माइनस 3, इसके बाद को ध्यान दो सभी, इसके बाद बहुत इजी है, 3 के साथ है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, नेक्स्ट स्टेप एक्स कॉमन क्या आएगा x माइनस 2, कल बताया था माइनस कॉमन लेंगे 3 बचा 3, 3 प्लस 6 कॉमन आ गया 3, कॉमन आया माइनस, इस वजह से साइन चेंज x माइनस 2, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 2, क्या बचेगा x माइनस 3, तो ये हमने सॉल्व कर दिया किसको, हमारे न्यूमरेटर को, क्लियर है? नाउ अब क्या करेंगे ध्यान दो, 3 के साथ x माइनस 2 x माइनस 3, ये हमारा क्या न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में था x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल्स टू 1/6, क्लियर है? 2 से तो 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 1/6। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दोबारा से क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी क्या बनेंगे फैक्टराइजेशन, वहां से क्या आएगा आंसर। बताओ सभी क्या सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसको आराम से ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, क्लास ओवर होने वाली है, तो आपको क्या करना है फोर्थ एग्जांपल और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है आज एक्सरसाइज का, ठीक है? जो बाकी दो क्वेश्चन बच गए थर्ड और फिफ्थ वो हम ट्राई करेंगे संडे को, ठीक है? तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे 4.4, कल की क्लास में पढ़ेंगे 4.4, ठीक है? एक बच्चे का मैसेज आ रहा है क्लास ले लिया करो मॉर्निंग में, बताओ सभी चैट बॉक्स में ये टाइम ठीक है या मॉर्निंग में ठीक है, एम फॉर मॉर्निंग ई फॉर इवनिंग। हाँ जी एम फॉर मॉर्निंग ई फॉर इवनिंग, चलो ठीक है। सही सभी बच्चे अपने अपने कमेंट्स मुझे चैट बॉक्स में डाल देना ऑन व्हाट्सएप, फिर मैं करता हूँ डिसाइड मॉर्निंग या इवनिंग, ठीक है? ठीक है चलो मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बेटा, ठीक है
बाय बेटा, बाय।